नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बगिया स्वागत करता हूँ आपका। आजकल सभी जगह पर इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो सोचा कि क्यों ना बात करते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति के बारे में जो पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा चहिता है, जो अमेरिका का सबसे पहला अश्वेत राष्ट्रपति बना और मेरा वन ऑफ द फेवरेट पॉलिटिकल लीडर बराक ओबामा के बारे में। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी गली, मेरे मोहल्ले और मेरे प्रदेश में काम करने वाला पॉलिटिकल लीडर या नेता कैसा होना चाहिए, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भाई वो बराक ओबामा जैसा होना चाहिए। बराक ओबामा का पूरा जीवन जो है वो कोई सुपर थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। आज उसके जीवन के कुछ अनसुने राज बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बराक ओबामा के बचपन से। तो 4 अगस्त 1961 को यूएस के हवाई में बराक ओबामा का जन्म हुआ। उसकी माता गोरी थी, सफेद थी, जबकि उसके पिता जो थे वो अश्वेत थे, काले थे। वो एक्चुअली केन्या के रहने वाले थे, पर केन्या से अमेरिका आए थे। जब बराक ओबामा 2 साल के थे तभी उसके माता पिता के बीच में जो था वो तलाक हो चुका था, और इसके बाद उसकी माता ने इंडोनेशिया के रहने वाले एक व्यक्ति से शादी कर ली थी। तो अपने बचपन के शुरुआती दिनों में बराक ओबामा जो थे वो अपनी माता के साथ इंडोनेशिया में ही रहे, और इसके बाद पढ़ने के बहाने जब वो 10 साल के हुए तो अपने नाना नानी के साथ फिर से जो है वो यूएसए रिटर्न हो गए। इसके बाद 1983 में उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। पर यहां पर देखिए, जब बराक ओबामा अपनी बीए की डिग्री हासिल कर रहे थे, जब वो पढ़ रहे थे, तब उसके क्लास में सिर्फ 2 या 3 ही अश्वेत लोग थे, काले लोग थे, और इसकी वजह से जो बाकी के वहां पर सभी गोरे लोग थे, बाकी के सभी जो यूरोपियंस थे, वो इन सभी काले लोगों को, ये सभी अश्वेत लोगों को बहुत चिढ़ाते थे, उसको अपने साथ नहीं रखते थे, उनसे कोई दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं था। अरे वहां के गोरे लोग ये सभी अश्वेत लोगों के साथ कुछ अछूत जैसा व्यवहार करते थे, और ये बात जो थी वो बराक ओबामा को कहीं ना कहीं अंदर से चुभ रही थी, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि कैसे भी करके ये रंग भेद की जो नीति है, ये सभी लोग गोरे लोग जो सभी काले लोगों को, सभी अश्वेत लोगों को जो कोई हक नहीं दे रहे, वो हक बराक ओबामा दिलाएंगे। और इसी के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं अब लॉ की पढ़ाई करूंगा, मैं अब जो है वकालत की पढ़ाई करूंगा, और इसीलिए उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल में जो था वो एडमिशन लिया। हार्वर्ड लॉ स्कूल में एडमिशन लेने के बाद वहां पर अपने विचारों की वजह से, वहां पर अपने काम की वजह से, वो थोड़े ही दिनों में वहां के जो थे हार्वर्ड लॉ रिव्यू एक कमिटी जो होती है उसके प्रेसिडेंट बन गए। और यही वो जर्नी थी, यही वो मौका था जिसने बराक ओबामा का असली रूप जो था, बराक ओबामा की असली पहचान जो थी, वो सभी लोगों के सामने लाई। और अब यहां पर देखिए, वो हार्वर्ड स्कूल्स में जो सभी काले लोग थे, जो सभी अश्वेत लोग थे, वो बराक ओबामा के प्रेसिडेंट चुनने पर वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने बराक ओबामा को फोर्स किया कि भाई देखो, अब हम सभी लोग जैसा बोलेंगे, जैसा हम रूल्स और रेगुलेशन बनाएंगे, वैसा ही आप जो है वो फॉलो करोगे, वैसा ही रूल्स रेगुलेशन आप जो है वो अप्लाई करोगे। अब तक जो था क्या था, गोरे लोग हमें कोई भी हक नहीं देते थे, अब बारी आ चुकी है कि हम ये सभी गोरे लोगों को मजा चखाए, ये सभी गोरे लोगों को कोई भी हक ना दे। ये सुनते ही बराक ओबामा ने क्या बोला, उसने बोला कि भाई जरा ठहरो, जरा रुको भाई, मेरा मकसद किसी एक व्यक्ति या किसी एक पक्ष को आगे ले जाकर किसी दूसरे पक्ष को पीछे रख देना नहीं है। ये लड़ाई जो है वो काले या गोरे के बीच में नहीं है, ये लड़ाई एक्चुअली इक्वालिटी की है। हम सभी लोगों को एक समान रखना चाहते हैं, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे। और ये जो बात थी, वहां पर जितने भी गोरे लोग थे उसके दिल को छू गई। उन सभी लोगों को भी ये एहसास हुआ कि बराक ओबामा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने पक्ष या अपने अश्वेत लोगों का ग्रुप था उसको सपोर्ट करता रहे, ये ऐसा व्यक्ति है जो सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना चाहता है। और अब इसके बाद समय जाते जाते बराक ओबामा अपने सामाजिक कार्यों में इतना फेमस हो चुके थे, इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि उसको 1996 में सीनेट का चुनाव लड़ने के लिए उसको जो वो टिकट मिल गई। क्या होता है सीनेट का चुनाव, मान लीजिए जैसे हमारे यहां पर लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होता है, वहां पर वैसे ही सीनेट का चुनाव होता है। तो 1996 में ही बराक ओबामा को यह चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिली। थोड़े ही सालों में 2004 में फिर से बराक ओबामा ने क्या हुआ कि सीनेट का चुनाव जो था वो जीत गए, और यही वो ऐतिहासिक लम्हा था जिसने बराक ओबामा के लिए व्हाइट हाउस के जो दरवाजे थे वो खोल दिए। और 2004 का सीनेट का चुनाव जीतने के बाद बराक ओबामा ने एक जबरदस्त भाषण दिया, एक जबरदस्त स्पीच दी, और अगर मुझसे पूछे तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ये इतिहास के सबसे बेहतरीन स्पीच में से, इतिहास के सबसे बेहतरीन भाषण में से एक भाषण था। क्या कहा बराक ओबामा ने, बराक ओबामा ने कहा कि देयर इज नो व्हाइट अमेरिका, देयर इज नो ब्लैक अमेरिका, देयर इज ओनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ America. Now, even as we speak, there are those who are preparing to divide us. The spin masters, the negative ad peddlers, who embrace the politics of anything goes.
Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. ये भाषण सुनने के बाद एक बात का तो पता चल ही गया था कि बराक ओबामा अमेरिका में से धर्मवाद, जातिवाद और ये रंगभेद की जो नीतियां थी उसका ये दूषण जो था वो मिटाना चाहते थे। ये बराक ओबामा अमेरिका की जो इंटरनल प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम वाकई में लोग फेस कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन निकालना चाहते थे। और ये भाषण सुनने के बाद वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे, वहां पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे, उन सभी लोगों को यही लगा कि अमेरिका में सभी लोगों को जो रोजगार चाहिए, जो स्वास्थ्य सुधारने की सभी लोगों जरूरत है, वो सिर्फ और सिर्फ बराक ओबामा जैसा व्यक्ति ही कर सकता है। और इसके बाद ये भाषण पूरा होने के बाद क्या हुआ कि वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए थे, पूरे अमेरिका ने बराक ओबामा को सपोर्ट किया और उनसे बोला कि आने वाले जो इलेक्शन है राष्ट्रपति का, उसमें आप हिस्सा लीजिए, उसके लिए आप जो है वो फॉर्म भरिए। क्या कोई इमेजिन भी कर सकता है कितना विश्वास रहा होगा वहां के लोगों का बराक ओबामा पर, अपने आने वाले लीडर पर। बराक ओबामा ने नहीं कहा कि मैं जो है वो चुनाव लड़ना चाहता हूं, लोगों ने सामने से कहा कि आप चुनाव लड़िए क्योंकि हमें लग रहा है कि आने वाले इलेक्शन में आप जो है वो बेहतरीन कैंडिडेट के रूप में साबित होंगे और आप जो है अमेरिका की तस्वीर पूरी तरह से बदल देंगे। और हमारे यहां इंडिया में क्या होता है कि जो व्यक्ति सरपंच का चुनाव लड़ने के भी योग्य नहीं होता, वैसे लोगों को गवर्नमेंट जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट लड़ने को, उसके चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे देती है। और इसके बाद होता यही है कि हम सभी लोग, आप और मैं लोग जो है, ये से अशिक्षित लोगों को वोट दे देते हैं और उसको 5 साल के लिए वो कुर्सी पर बैठा देते हैं। और इसके बाद ये सभी लोग जो राजा की तरह हम सभी लोग पर रोब जमाते हैं। जब कोई गरीब व्यक्ति कोई सिग्नेचर करवाने के लिए उसके घर पर या ऑफिस पर धक्का खा के थक जाते हैं, फिर भी गरीब लोगों का काम नहीं होता, ऐसे अशिक्षित लोग 5 साल में ही हमारे से ज्यादा पैसेदार हो जाते हैं, हमारे से ज्यादा उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े बंगले हो जाते हैं। ये एक्चुअली आपकी और हमारी ही गलती है कि हम सभी लोग ऐसे व्यक्ति को वोट दे देते हैं जो अशिक्षित है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब में पैसे डालने में ही समझता है, जो कोई भी डेवलपमेंट की बातें नहीं करता। दोस्तों, वोट इसी व्यक्ति को दीजिए जो आपके एरिया में काम करे। मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, पर जो वाकई में आपके एरिया को, आपके पूरा जो प्रदेश है उसकी डेवलप की बातें करें, जो एजुकेशन की बातें करें, जो स्वास्थ्य की बातें करें, वैसे व्यक्ति को ही वोट दीजिएगा। बहरहाल फिर से चलते हैं बराक ओबामा पर। तो लोगों के कहने पर 10 फरवरी 2007 को उन्होंने ये घोषणा कर दी कि वो 2009 में जो इलेक्शन आने वाला है राष्ट्रपति पद का, उसके लिए वो फॉर्म भरेंगे, उसके लिए वो उम्मीदवार होंगे। और इसके बाद तो 2009 में जॉन मैकेंस को भारी वोटों से हराकर बराक ओबामा जो थे वो अमेरिका के सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। और अब देखिए कहां जो है वो यहीं से शुरू होती है। देखिए क्या हुआ कि बराक ओबामा का राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद ही सबसे पहला प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया, वो था SCHIP प्रोग्राम। क्या था ये प्रोग्राम? ये होता है एक स्टेट चिल्ड्रंस हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत तकरीबन 40 मिलियन बच्चों को फ्री में कोई भी मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, कोई भी मेडिकल उसका जो खर्चा है वो पूरी यूएस की गवर्नमेंट उठाएगी। बच्चे के जन्म से लेकर जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसको कोई भी बीमारी लागू पड़ती है, उसको कुछ भी होता है, तो उसका पूरा खर्चा जो है वहां की गवर्नमेंट उठाएगी। अगर वहां का कोई भी पेरेंट्स बेबी प्लानिंग करना चाहता है तो उसको कोई भी टेंशन ही नहीं है, उसको ये भी टेंशन नहीं है कि भाई प्रेगनेंसी के दौरान जो भी खर्चा होता है उसके पैसे कहां से निकालेंगे। इसके बाद उसको ये भी टेंशन नहीं है कि बच्चे के जन्म के बाद जो कोई भी मेडिकल फैसिलिटी उसको चाहिए, जो कोई भी दवाई है उसको चाहिए, उसके पैसे कहां से निकालेंगे, क्योंकि ये सभी चीजें वहां की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इतने जबरदस्त सरकारी अस्पताल बना दिए कि कोई भी लोग जो है वो प्राइवेट अस्पताल में जाने की सोचता ही नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे यहां पर इंडिया में अगर कोई भी पेरेंट्स जो है वो बेबी प्लानिंग भी करना चाहता है तो सबसे पहले उसके अकाउंट में 1-1.5 से 2 लाख रुपए उसको स्पेयर में रखने ही पड़ते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के पहले के दवाइयों के खर्चे, प्रेगनेंसी दौरान के खर्चे, इसके बाद प्रेगनेंसी के बाद बच्चे के जन्म के बाद अगर उसको कोई भी बीमारी लागू पड़ती है तो उसके मेडिकल के खर्चे। तो हमारे यहां भारत में किसी मां बाप को अपने बच्चे के जन्म की जितनी खुशी नहीं होती उनसे कहीं ज्यादा टेंशन तो उसको इस बात का रहता है कि इसकी परवरिश कैसे करेंगे। अरे मेरे दोस्तों, हम भी अगर हमारी इस पूरी सोसाइटी में, हम भी हमारे देश में इस तरीके के सरकारी अस्पताल
देखना चाहे कि वहां की फैसिलिटी जो है वो प्राइवेट अस्पताल से भी कई गुना ज्यादा हो, एज वेल एज वहां पर इस तरीके के डॉक्टर्स हो जो प्राइवेट में भी हमें ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो, तो हमारे यहाँ भारत में जितने भी नए बच्चे जन्म ले रहे हैं उसके पेरेंट्स को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, उसके पेरेंट्स को कोई भी चिंता नहीं होगी और हमारे भारत का भविष्य जो है वो अच्छी तरह से बड़ा हो सकेगा। दूसरा सबसे बड़ा काम जो बराक ओबामा ने किया वो ये था कि ही वाज गिविंग हिज फुल सपोर्ट टू द इनोवेशन एंड द एजुकेशन। इनोवेशन और एजुकेशन के फील्ड में बराक ओबामा कोई भी पीछे हट नहीं करना चाहते थे। 2010 में उन्होंने नासा को बोल दिया था कि भाई आपसे जितना भी हो सकता है उतना बढ़िया से बढ़िया इनोवेशन कीजिए ताकि वो हमारे देश को मदद करे। और इसके बाद 2010 में ही बराक ओबामा जो थे वो ये सभी इलेक्ट्रिक कार्स जो है टेस्ला मोटर्स जो थी उसको पूरी तरह से सपोर्ट करते थे। और इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 2009 से लेकर 2017 के बीच में यूएसए में इतना घटा कि वो उस समय पर अब तक के सबसे निचले स्तर पर था। ऐसा नहीं कि जो चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे किए थे वो वादे निभा नहीं पाए, सभी बड़ी बड़ी बातें की कि लोगों को नौकरी देंगे, जब एक्चुअली वाकई में वो पद पर आए, जब वाकई में राष्ट्रपति बने तो लोगों को नौकरियां ही नहीं मिली, लोगों को सबसे ज्यादा नौकरियां मिली। आप ये ग्राफ देख भी सकते हैं, आप यहां से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे 2009 से लेकर 2017 के ये जो पूरा 8 साल का समय था उस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएसए का सबसे निचले स्तर पर था। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसीज में भी बराक ओबामा ने बहुत ही जबरदस्त काम किए। सबसे पहले तो इराक में कितने सालों से जो अमेरिकी सेना वहां पर तैनात थी उन सभी लोगों को वहां से वापस बुलाया। बराक ओबामा के पहले के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने क्या करा था, उन्होंने ये अमेरिकी सेना जो थी वो इराक में भेज दी थी क्योंकि उस वक्त ईरान और इराक के बीच में कुछ अच्छे रिलेशन नहीं थे, उसके बीच में जो मतभेद थे। तो ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश को ऐसा लग रहा था कि ये इराक वाले जो है वो हमारे अमेरिका पर चढ़ाई कर देंगे, पर वैसा कुछ था ही नहीं। वो जो था उन दोनों के बीच में मतभेद था, वाकई में खामखा ये अमेरिकी सेना जो थी वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वहां इराक में भेज दी थी और इराक से वो दुश्मनी ले रहा था। तो क्या कहा बराक ओबामा ने कि सबसे पहले वो सेना थी वो बुला ली। इनसे क्या हुआ कि इराक के साथ जो भी मतभेद थे, इराक के साथ जो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हुई। और इसके बाद क्यूबा देश के साथ अमेरिका के कुछ अच्छे व्यवहार नहीं थे, कुछ अच्छे रिश्ते नहीं थे, कई सालों से इन दोनों देशों के बीच मतभेद हो रहे थे। तो बराक ओबामा ने क्या करा कि जैसे वो राष्ट्रपति बने तुरंत ही क्यूबा देश के साथ भी संधि कर ली, उसके साथ कई सालों से जो खराब व्यवहार था, जो मतभेद थे वो सभी सॉर्ट आउट हो चुके। और इसके बाद ईरान से भी ये डील की, ये संधि की कि आप सभी लोग जो है अपना न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसका उपयोग नहीं करेंगे और उसके बदले में हम सभी लोग क्या करेंगे कि आपसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग जो होता है वो करेंगे। इनकी वजह से क्या होगा कि ईरान में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो घटेगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी, लोग जो है वो पैसेदार होंगे। तो ये संधि कर उन्होंने ईरान का भी दिल जीत लिया और न्यूक्लियर वेपन का उपयोग ना करने की ये संधि भी कर ली। तो ओवरऑल कहने का मतलब इतना ही है कि बराक ओबामा जो थे वो आसपास के सभी देशों से संधि करने में मानते थे, वो ये मानते थे कि हमें आसपास के सभी देशों से मित्रता करनी चाहिए और अगर हम सभी लोगों ने आसपास के देशों से लड़ने में हमारा समय बर्बाद किया तो हमारे देश की वाकई में जो एक्चुअल प्रॉब्लम है हम उसका सॉल्यूशन कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि बराक ओबामा हर वक्त अपना ये सॉफ्ट नेचर जो था वो ही लोगों के सामने दिखाते थे, जब समय आता था तब वो अपना कड़क बिहेवियर जो है, वो कड़क नेचर जो है वो भी लोगों के सामने रखते थे। पता है ना किस तरीके से ओसामा बिन लादेन को अपने ही इलाके में पाकिस्तान में जाकर इस तरीके से मारा, इस तरीके से खदेड़ा कि उसकी लाश भी उन सभी लोगों के हाथ नहीं आई। और जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उरी अटैक और इसके बाद ये सर्जिकल स्ट्राइक करवाई थी, उसी तरीके से बराक ओबामा ने ओसामा बिन लादेन को उसके ही देश में, उसके ही शहर में जाकर मारा। जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तो हर वक्त अपने साथ अपने जेब में हनुमान जी की एक छवि रखते थे। क्या कहते थे कि इनसे उनको ऊर्जा मिलती है, इनसे उनको शक्ति मिलती है। बराक ओबामा का ऐसा नेचर कि वो किसी के साथ भी घुल मिल जाते थे, कहीं पर भी बैठकर खाना खा लेते थे, किसी के साथ भी जो है वो फोटो खिंचवा लेते थे। बराक ओबामा ने वाकई में ये साबित कर दिया कि कैसे लोकतांत्रिक देश में वाकई में एक पॉलिटिकल लीडर को लोगों की प्रॉब्लम पर ध्यान देकर उसका सॉल्यूशन देना चाहिए, लोगों की समस्याओं का हल देना चाहिए।
ऐसा नहीं कि हमारे देश में जब इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है कि कोरोना जैसा कुछ है ही नहीं। जैसे इलेक्शन खत्म हुए कि फिर से नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसी स्थिति जो है वो आने लगती है। आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई ऐसे व्यक्ति को आपके प्रदेश में, आपके मोहल्ले में, आपके गली में ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए, ऐसे व्यक्ति को पॉलिटिकल लीडर बनाइए जो वाकई में कुछ काम करे, जो आपकी सोसाइटी, आपके प्रदेश को आगे ले जाने की बात करे, जो एजुकेशन सिस्टम सुधारने की बात करे, जो हमारे लोगों के स्वास्थ्य सुधारने की बातचीत करे। ऐसा नहीं कि 5 साल तक आराम से बैठा रहे और अपनी जेब में पैसा डालता रहे, क्योंकि अंत में वोट आपको और हमको ही मिलकर देना है। हम सभी लोग लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, यहां पर जैसा हम सभी लोग चाहते हैं, हमारी जो वाकई में एक्चुअल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ये सभी पॉलिटिकल लीडर को समझना होगा और उस हिसाब से ही यहां पर काम करना होगा। मैं किसी पक्ष या पार्टी की बातचीत नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि उसी व्यक्ति को वोट दीजिए जो हमारे देश हित में काम करे, जो पूरी सोसाइटी के हित में काम करे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। सभी लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चले कि जिस लोकतांत्रिक देश में हम सभी लोग रह रहे हैं उस देश में हमारा हक क्या होना चाहिए, कौन कौन से काम हमें पॉलिटिकल लीडर से करवाने चाहिए, अगर काम नहीं करते तो हमें कौन सा हक जो है उनसे मांगना चाहिए। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, वी विल सी यू सून विथ वन मोर एनर्जेटिक टॉपिक। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी एंड स्टे फ्रेश। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू सून।